नमस्कार और आप देख रहे हैं पलताल। ईवीएम मशीन से नहीं की जा सकती किसी प्रकार की छेड़खानी। वीवीपैट मशीन पर देख सकेंगे वोटर अपनी वोट वेरिफिकेशन को, क्योंकि आज ईवीएम और वीवीपैट की विश्वसनीयता को जनता के बीच में कायम रखने के मकसद से वीडियो कर्मियों मीडिया कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष। नगराधीश सुरेश रावेश ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम मशीन और वीवीपैट की विश्वसनीयता को जनता के बीच कायम रखने के मकसद को लेकर के सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में मीडिया कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत किया गया और ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि 1990 के आसपास देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कार्य शुरू हुआ। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होने चाहिए। इसके बाद वर्ष 2014 के चुनाव में देश में कई हिस्सों में वीवीपैट तथा वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रॉल प्रयोग की में लाई गई। हरियाणा में भी कई बूथों पर सैंपल के लिए वीवीपैट लगाई गई थी, जिसके पश्चात विगत लोकसभा चुनाव में भी सभी बूथों पर वीवीपैट उपलब्ध करवाई गई, जो पूर्ण रूप से अपने मकसद में सफल रही। वीवीपैट के जरिए कोई भी मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने के बाद उसकी एक छोटी सी स्क्रीन पर 7 सेकंड के लिए एक स्लिप आसानी से देख सकता है, जो स्वतः ही मशीन में फिर से चली जाती है। उन्होंने बताया कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट यानी कि तीनों डिवाइस से मिलकर ही कंप्लीट ईवीएम बनती है। ईवीएम फुल प्रूफ यानी अभेद्य है। इसे न तो हैक किया जा सकता है और न ही टैपिंग या छेड़छाड़ की जा सकती है, क्योंकि इसमें लगी मेमोरी चिप काम नहीं आ सकेगी अगर इसे छेड़खानी की गई। इस प्रकार इसके प्रयोग को लेकर के जनता तथा मतदाताओं के बीच में कदापि भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। नगराधीश और चुनाव नायब तहसीलदार शमशेर सिंह ने ईवीएम और चुनाव में इसके प्रयोग को लेकर के मीडिया को कुछ और जानकारी भी दी, और उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार मतदान की तिथि तथा पूर्व निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को कई तरह की प्रतिक्रियाएँ पूरी करनी होती है। इसमें त्रिस्तरीय रेंडमाइजेशन प्रमुख रूप से होता है। प्रथम रेंडमाइजेशन को कौन सी मशीन किस निर्वाचन क्षेत्र में जाएगी, द्वितीय में किस मशीन के साथ कौन सी CBU CU तथा वीवीपैट लगेगी, और तीसरे रेंडमाइजेशन में कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी, ये सब इसमें शामिल होता है। तीनों के समय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित भी किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से आह्वान किया है कि वे मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करें ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। इसमें डमी करने लिए तभी फिरते हैं, वो करने लेते जब फाइनल होंगे तभी उसके अंदर वो लगाए जाएंगे। तो जैसे ही मैंने अगर कोई किसी को ये इस बारे में लोगों का अवेयरनेस, आप लोगों की मदद से भी, आप लोगों के सहयोग से भी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करना है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, भागीदारी बने मतदान के लिए, क्योंकि तो हमें 5 साल में एक बार अवसर मिलता है वोट डालने का। अगर उससे हम वंचित रह जाते हैं तो समझो हमने बहुत कुछ खो दिया। कई बार जो हम सोच लेते हैं लोग भाई जो है एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, स्पीडो में जो है एक बार 3 वोट से हार जीत हुई, तो भले MLA का जो चुनाव है ये बड़ा ऐसा चुनाव है जो MP के चुनाव से हक के चुनाव होता है, इसमें कैंडिडेट उनका सपोर्ट रहते हैं। तो ये चीज जो करना है कि भाई मशीन के बारे में भी अगर किसी को कोई भरम है तो किसी समय भी हमारी लघु सचिवालय में मशीन लगी हुई है, गांव में भी मशीन जाएगी। आप अपना जो पसंदीदा कैंडिडेट का जो भी मैंने आप बटन दबा हुआ कि देख सकते हैं कि किस बटन में आपने 5 नंबर पाया तो क्या 5 की पर्ची निकल रही है, अगर 10 नंबर बटन दबाया तो 10 की पर्ची निकल रही है, अगर 16 नंबर आपने नोटा का दबाया है क्या उसकी पर्ची निकल रही है। इसके अंदर फिलहाल हमने जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार जो है सभी मशीनों की वैकेंसी सभी जो मशीनों की ऑफेंसी बैल के इंजीनियर आए थे उन द्वारा जो है मशीनें तैयार करी गई हैं। 16 कैंडिडेट सेट किए हुए हैं अवेयरनेस के लिए, लोगों को अवेयरनेस देखने के लिए। और जब हमने FLC की है उस दौरान भी हमने जो है जितने अपने
होल्डिंग पार्टी के सदस्य है उनको आमंत्रित किया था और उनको मैंने समय भी दिया था कि आज आप सारा दिन अगर आपके पास समय है आपका कोई भी नुमाइंदा बैठ करके इसके अंदर अपनी संतुष्टि कर ले किसी भी मशीन में जितनी जैसे हमारे पास 1765 वीयू है और जो है 1000 समथिंग जो है सीयू है वो आपको एक्यूरेट में डाटा बता दूं आपको। इसी प्रकार से वीवीपैट है हमारे पास, तो ये जो मशीनें हैं जो बैंक के इंजीनियर द्वारा तैयार की गई है और सभी मशीनों में 96 तो हर मशीन को डाल के चेक की गई मशीनें इनको जो है 6-6 राउंड लिए गए हैं मशीनों में, जब हमने 300 वोट किसी में 500 वोट किसी में 800 वोट जैसे पोलिटिकल पार्टी ने पेंसिल के दौरान भी बताया गया है और इसमें चुनाव के संबंध में जो तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की जानी थी उसके बारे में सभी तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें कि स्टाफ डिप्लॉयमेंट है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हैं या बाकी इकोनॉमिक सर्वे के लिए जो टीम्स हैं वो सारी तैयार कर ली गई हैं और प्रशासन ने पूरी तैयारियाँ कर चुका है। इलेक्शन के संबंध में हम पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे ही आचार संहिता लगती है हम अपने एक्शन मोड में आ जाएंगे। ऐसा इसमें 3-4 तरह के जो है आयोजन जो है प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला तो जैसे लोगों को जागरूक करना वोटों के बारे में, जो नया वोट जिसने बनवाना है उसके संबंध में राहगिरी जैसे प्रोग्राम या अन्य प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि लोग अपना वोट बनाएं और मत का उपयोग कर सकें। इसके अलावा जैसे EVM से संबंधित ट्रेनिंग्स हैं इसके बारे में भी RO स्तर पर और विलेज स्तर पर जो है ट्रेनिंग शेड्यूल किए जाते हैं ताकि लोगों को EVM के बारे में, बैलेट यूनिट के बारे में जानकारी मिल सके और वो अपना वोट ठीक प्रकार से कर सकें। जो है ना उसकी पूरी समुचित तैयारी की गई है, नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं जो कि ये इंश्योर करेंगे कि जिस भी कर्मचारी की ड्यूटी लगे उसको टाइम पे उसका जो है ना पोस्टल बैलेट पेपर मिल सके जिसको वो यूज़ कर सके। ये भी जो है हम आंगनवाड़ी वर्करों के थ्रू जो है ना जागरूकता अभियान वोटरों के प्रति, वोटरगिरी, ताई वोटरगिरी जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट जिले में स्टार्ट किया था वो सारा हम कर रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल वैन्स भी जो हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भेजी जा रही हैं पंचायतों में, सेक्रेटरीज की पटवारियों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और EVM की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। खेल में इलेक्शन से संबंध जो डाटा थे वो आप लोगों को बता दिए, कितने हमारे वोटर्स हैं, क्या हमारी तैयारियां हैं और जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप वोटर्स हैं या सेना के वोटर्स हैं उनके लिए क्या हमने तैयारियाँ की हुई हैं, कैसे उनके वोट डलेंगे, VUCUs की ट्रेनिंग के बारे में, फर्स्ट लेवल चेकिंग के बारे में, वो सारी तैयारियाँ हमने पूरी कर ली हैं। इसके अलावा जितना भी हमने स्टाफ डिप्लॉय करना है उसकी हमने असेसमेंट करके सारी तैयारियाँ कर ली हैं कि कितना स्टाफ हमें चाहिए और कहाँ कहाँ से वो स्टाफ रिक्रूज किया जाएगा। स्टाफ के साथ साथ जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं चुनाव के संबंध में जो तैयारियाँ जिला प्रशासन द्वारा की जानी थी उसके बारे में सभी तैयारियाँ जो है पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें कि स्टाफ डिप्लॉयमेंट है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हैं या बाकी इकोनॉमिक सर्वे के लिए जो टीम्स हैं वो सारी तैयार कर ली गई हैं और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर चुका है। इलेक्शन के संबंध में हम पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे ही आचार संहिता लगती है हम अपने एक्शन मोड में आ जाएंगे। ऐसा इसमें 3-4 तरह के जो है आयोजन जो है प्रशासन द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला तो जैसे लोगों को जागरूक करना वोटों के बारे में, जो नया वोट जिसने बनवाना है उसके संबंध में राहगिरी जैसे प्रोग्राम या अन्य प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि लोग अपना वोट बनाएं और मत का उपयोग कर सकें। इसके अलावा जैसे EVM से संबंधित ट्रेनिंग्स हैं इसके बारे में भी RO स्तर पर और विलेज स्तर पर जो है ट्रेनिंग शेड्यूल किए जाते हैं ताकि लोगों को EVM के बारे में, बैलेट यूनिट के बारे में जानकारी मिल सके और वो अपना वोट ठीक प्रकार से कर सकें। जो है ना उसकी पूरी समुचित तैयारी की गई है, नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं जो कि ये इंश्योर करेंगे कि जिस भी कर्मचारी की ड्यूटी लगे उसको टाइम पे उसका जो है ना पोस्टल बैलेट पेपर मिल सके जिसको वो यूज़ कर सके। ये भी जो है हम आंगनवाड़ी वर्करों के थ्रू जो है ना जागरूकता अभियान वोटरों के प्रति, वोटरगिरी, ताई वोटरगिरी जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट जिले में स्टार्ट किया था वो सारा हम कर रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल वैन्स भी जो हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भेजी जा रही हैं पंचायतों में, सेक्रेटरीज की पटवारियों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और EVM की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।